विचित्र आम जगन्नाथ नियारा तांको नीतिकांति मानवों पर लीलाखेला करती महाप्रभु आज रथ यात्रार आद्य पर्व पवित्र देव स्नान पूर्णिमा श्रीमंदिर बाहरी स्नान बेदी में दर्शन देवे चतुर्धामूर्ति श्रीमंदिर परिसर सुना कूर 108 गरा सुबासित जल में स्नान करेंगे बड़ ठाकुर शोध हो सुना कूर जल अभिमंत्रित जल में अष्टबंध कृष्ण अगुरु उशीर गोरचना देवदारु मुथा हरिताल बाहाड़ा आमलकी संचिष्टा ताम्रपर्णी सोमपर्णी और लोधी महोषधि मिश्रित गंधजुक्त अभिमंत्रित जल में स्नान करेंगे महाबाहु यही जलर 35 करारे जगन्नाथ को 33 करारे बलभद्र को और 22 करारे सुभद्रा 18 करारे सुदर्शन को स्नान करा महाप्रभु को यह दिन गजानन बेश कराए समस्त स्नान उपचार पर ठाकुर माने श्रीमंदिर को गोटी पहंडी रे फेरी था भीतर काठपाख अणसण पिंडी ठाकुर माने विजे करने ताटी बंधा जाए और पट्टी मूर्ति स्थापना कराए यहपर यह चतुर्धा मूर्ति स्नान पूर्णिमा ठार नेत्रोत्सव पर्यंत दीर्घ 15 दिन धरी ज्वर से पड़ती यह अणसण कहुए यह 15 दिन भक्त माने श्रीजीव मानकर दर्शन पाती ना यह समय भक्त माने निकटस्थ ब्रह्मगिरी पूजित होता अलारनाथ को दर्शन करती तेब 15 दिन अणसण घरे कौन करती प्रभु केमी चिकित्सा हुए प्रभुंर आसतु जानवा अणसर घरे प्रथम दिन कराए कराल कर्म विग्रह गुड़िकर मरामती ठाकुर मानकर अंगर वस्त्र को उतारी कर्म कराए श्रीअंगे लगी कस्तूरी झुणा चुआ और चंदन लेप को अलग कराए यापर हुए श्रीअंग पिटा स्नान मंडप स्नान द्वारा ओदा पाट वस्त्र को अणसर गृह से ओलागी कराए यह श्रीअंग पिटा कहचाए यहपर हुए पैतल अणसर में केतक स्वतंत्र नीति में पाट कला को छेची विग्रह मानक देहरे छकी पड़ा भाई बंधा जाए ताहा चंदन लगी कराए फुलुरी लगी पैता लगे फुलुरी तेल लगी हुए यह श्री तैल कहुए ओडिया मठ पक्षर विधि अनुसार प्रस्तुत यह तेल अणसर सप्तम दिन में लगी कराए विग्रह तेल घसा जाए श्री कपड़ा उत्सव बा पट्टा बंधन यहपर हुए यह दिन श्रीजीव मान को कपड़ा बंधन कराए श्री तैल घसा जा क्षीर अरुआ चाउल रंधा जाए पट सूत्र में मर्दन करा बंधा मसृण लेपन श्री कपड़ा बंधा जा सर्वांगे एक लेप दिखाए श्रीजीव मान को चंदन कर्पूर राशि तेल एवं झुणा इत्यादि लेपन कराए यहपर हो चका विजे तीनोटी मुगुनी पथर चका अणसर पीढ़ी में रखा विग्रह को एक चका उपरे विजे पारंपरिक रीति अनुसार दशमी तिथि विग्रह मानक आरोग्य होगा निम्ते राजवैद्य प्रस्तुत दशमूल मोदक सेवन करने को दि जाए यह बेल छेली गंभारी फणफणा अगवधु कृष्णपर्णी शालपर्णी अक्रांति पाटेली और लंबी कोली आदि चेरमूली प्रस्तुत कराए यहपर हो चंदन श्रीजीव मान को चंदन कर्पूर चुआ कस्तूरी और कुंकुम इत्यादि मिश्रित कर लेपन कराए ठाकुर माने सुस्थ हो एकादशी ठारु अणसर घरे ठाकुर मानक पूजा समय घंट बाजवास भोग तुलसी पड़ता है यहपर हो खड़ी लगेदिन राति विग्रह मान को खड़ी लेप दि जाए पशुआ लगी और राजप्रसाद विजे यहाँ महाप्रभु देहर जो औषध लगी हुए ता एक स्वतंत्र पद्धति में प्रस्तुत हुए राशि तेल में झुणा कर्पूर कस्तूरी केतक सुगंधित द्रव्य मिशाए यह रंधा जाए श्रीअंगर जो औषध चंदन और पाट डोर झरी पड़े ता रूपा थाली में संग्रह हुए यह निर्माल्य कहुए यह दैतापति और पति महापात्र सेवक मैंने श्री नरहर को जाई जगन्नाथ सुस्थ होबा खबर दिखती
ଗଣତଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏହାପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଘଣା ଲାଗି ଓ ପାଟ ଡୋରି ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଓ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୁଏ। ଗହମ ଗୁଣ୍ଡ କନାରେ ଛଣା ହୋଇ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଶଙ୍ଖକୁ ପୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଭସ୍ମ ବାହାରେ ତାହା ହେଉଛି ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ। ଏହାପରେ କରାଯାଇଥାଏ ବନକ ଲାଗି ନୀତି। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଗାଢ଼ ହେଙ୍ଗୁଳ ଶୁଦ୍ଧ ଶଙ୍ଖ ଅଁଳା ତମ୍ବା କଜ୍ଜଳ କୁଙ୍କୁମ ହରିତାଳ ଫୁଲ ଖଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡ କରି ରାଶି ତେଲ ମିଶାଇ ଏକ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ବନକ ଲାଗିରେ ଜୀଉମାନଙ୍କର ରୂପ କାମ କରାଯାଇଥାଏ। ନୂଆ କନା ଓ ତୋଳାରେ ଯନ୍ତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିରେ ତଥା ସ୍ଥାବର ତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାରେ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ କୋମଳ ଚକା ସଦୃଶ ଗୋଲ ଆସନକୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଚକା ଅସରପ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ହିଁ ଅଣସରର ଶେଷ ଦିବସ। ଏହାପରେ କରାଯାଇଥାଏ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନୂଆ ବିଚିତ୍ର ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଉଭା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ 15 ଦିନ ଅଣସର ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ ନୀତିକାନ୍ତି। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।